हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ। आज हम लोग सर्कल के सीरीज में थर्ड यूनिट करने जा रहे हैं, जिसमें हम टेंजेंट के बारे में आपको बताएं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो पीछे का प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखें, ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, चलिए। सर्कल टेंजेंट स्पर्श रेखा की बात करें तो स्पर्श रेखा किसको बोला जाएगा? ऐसे यह सर्कल। ठीक, तो एक बिंदु पर जो टच करेगा, सिंगल पॉइंट पर जो टच करेगा, उसी को बोला जाएगा स्पर्श रेखा। क्या बोले? किसी वृत्त पर वैसा लाइन जो एक बिंदु पर टच करे, किसी वृत्त पर वैसा लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक बिंदु पर टच करेगा, उसी को बोलेंगे ऐसा रहेगा, जिसको नोट कहा जाएगा या टेंजेंट। बात क्लियर है? या टेंजेंट। अभी हम आपसे पूछें, किसी वृत्त पर स्थित बिंदु से कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा? तो किसी वृत्त पर स्थित बिंदु से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वन टेंजेंट। किसी वृत्त पर स्थित बिंदु से कितना टेंजेंट? एक टेंजेंट। किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? दो टेंजेंट, पीटी पीक्यू, दो टेंजेंट। और किसी वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? नो टेंजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा ध्यान से क्या बताना चाह रहे हैं। दिख रहा आप लोगों को? उम्मीद करते हैं ये भी दिख रहा होगा। ठीक है, समझिए करते हैं। किसी वृत्त पर स्थित बिंदु से कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा? तो आप बताएंगे केवल एक ही ड्रॉ कर सकते हैं। किसी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से कितना टेंजेंट वृत्त पर ड्रॉ किया जा सकता है? तो ओनली टू, एक पीक्यू और एक पीटी। और किसी वृत्त के अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जाता था? एक भी नहीं हुआ, नो टेंजेंट। चलिए पहला पॉइंट आपको हम बताने जा रहे हैं, किसी वृत्त के केंद्र से टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है। क्या लिख बोलते हैं यहाँ पे? किसी वृत्त के केंद्र से टेंजेंट, टेंजेंट मतलब जहां स्पर्श कर रहा है, टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है। बोले कैसे? एक बात यह बताइए, समकोण त्रिभुज है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है। आदि हम आपसे पूछे, ए का डिस्टेंस बीसी से न्यूनतम कौन है? ए पॉइंट का डिस्टेंस बीसी से न्यूनतम कहां से होगा? तो यहां डिस्टेंस लेंगे या ज्यादा होगा, या डिस्टेंस से कम होगा, या और कम होगा, या और कम होगा, या और कम होगा, सबसे कम एक ही होगा। कहना कहने वाला मकसद यह है ना, बीसी लाइन से ए का डिस्टेंस न्यूनतम आप कैसे होगा, कहां से मेजर करेंगे जो बीसी लाइन से ए का डिस्टेंस न्यूनतम होगा? हम यहां से मेजर करेंगे ज्यादा होगा, यहां से करेंगे कम होगा, या कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, यहां से क्या होगा? सबसे कम होगा, है ना? ये सबसे कम जो होता है क्या होता है? लंब हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो वही बात यहाँ पर भी है, अगर हम यहां से मेजर करेंगे ज्यादा होगा या कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, या सबसे कम होगा, जो इस पर क्या हो जाएगा? लंब। तो आपको बताया गया कि किसी वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से टेंजेंट को मिलाने वाले, टेंजेंट मतलब का जिस पॉइंट पर टच कर रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा उस टेंजेंट पर लंब होती है। किसी वृत्त के केंद्र से टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा उस टेंजेंट पर क्या होती है? लंब होती है। बात क्लियर है? आगे चले, कितना बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो हर छोटी छोटी बात आप नोट पे एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। हम जानते हैं कि बहुत कुछ बात आप लोग जान रहे हैं, हो सकता है सारे बात कुछ लोग जान रहे होंगे, लेकिन सिस्टमेटिक वे से हम बता रहे हैं, ताकि एक जगह कलेक्शन हो जाएगा, आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी, और कुछ पॉइंट आपसे माइंड मिस भी हो गया तो हम सारे यहाँ डिस्कस कर देंगे, और तो एक जगह नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। क्लियर है? आगे चले। चलिए दूसरा पॉइंट नोट करें, ये वृत्त है,
वृत्त के बाह्य बिंदु से P से एक टेंजेंट PA ड्रॉ किया गया, एक PB किया गया। हम लोग बाह्य बिंदु से, अब मालूम है बाह्य बिंदु से दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों टेंजेंट की लंबाई जो होगी वो बराबर होगी, PA बराबर PB। कैसे होगा इस बात को हम प्रूव करके आपको बताते हैं, जबकि इसका केंद्र क्या है, है ना। कैसे देखें इसको मिला कंट्रैक्शन हम दूसरे पेन से कर रहे हैं ताकि आप लोग समझ पाए, आप लोग समझ पाए दूसरे पेन से कर रहे हैं। या क्या हो गया 90 विजय पढ़े कि केन से टेंजेंट को मिलाने वाले रेखा उस पर लंब होती है। ठीक है, चलिए बताइए या रेडियस है या बराबर या दोनों कॉमन और या भी 90। हम बोल सकते हैं आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आर एच एच से दोनों ट्रायंगल आपका कंग्रुएंट हो जाएगा। फिर राइट एंगल, उसके बाद या हाइपोटेनस दोनों में और एक साइड या रेडियस वाला, तो आर एच एस से क्या हो गया आर राइट एंगल हाइपोटेनस और ये रेडियस से दोनों ट्रायंगल आपका कंग्रुएंट हो गया। ठीक है, आर एच एस राइट एंगल दोनों हो गया, हाइपोटेनस दोनों में आ रहा है और एक साइड इक्वल क्या हो जाएगा, तो जो एंगल इक्वल था उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया। अब बताइए यह इसके इक्वल था, यह दोनों कॉमन था, तो शेष क्या बच गया यह साइड और यह साइड में क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा PL और PB। इसका मतलब हो गया कि यह एंगल और यह एंगल इक्वल, इसके सामने यह साइड और इसके सामने यह साइड क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसके सामने यह 90 इसके सामने यह 90 इसके सामने यह जो भी हुआ होगा मान लिया थीटा, इसके सामने यह भी थीटा हो गया, तो शेष क्या बचा आपका यह एंगल, इसके सामने यह साइड और इसके सामने या दोनों बराबर, इसके सामने या क्या हो गया बराबर हो गया पी ए बराबर पी बी। रुकिए यहाँ नॉन तो मिस्टेक हो गया, आप सुधार कर लेंगे या ए लिखेंगे। ठीक है, पी ए बराबर पी बी, आप लोग भी सुधार कर लें, कभी कभार मिस्टेक हो जाता है, ध्यान पढ़ने बाद तो सुधार हो ही जाना है, उतना आप खुद से भी कर सकते हैं, उसकी चिंता आपको करनी। आगे चले दूसरा तीसरा पॉइंट, इसका बाद है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, ये काउंटर खंड पर इसमें क्या होता है ध्यान से लगे, यह एक वृत्त और यह टेंजेंट है और यह कोई एक दीवार है, तो यह टेंजेंट हो गया पीटी टेंजेंट है और पीए क्या है कोड उसका जीवा है, तो यह कोड द्वारा टेंजेंट से बनाकर इसी कोड द्वारा वृत्त के अपोजिट भाग, इधर तो बन गया थीटा, इसका अपोजिट भाग में बने कोण या क्या होता है, फिर समझे क्या बोले, पीए कोड द्वारा टेंजेंट से बनाकर पीए कोड द्वारा है उसका अपोजिट इधर बन गया, तो उसका अपोजिट भाग में वृत्त के परिधि पर बनाकर बना होता है, इस तक भी हो दिख पा रहा आप लोगों को, कहीं भी हो सकता है या केंद्र होकर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो यह हो गया पी पी आपका टेंजेंट है और यह आपका कोण हो गया यह है और परिधि पर कहीं भी जाएंगे यह है, यह क्या होगा अरे मैं सवाल लेते यह टेंजेंट है, हम यह कोण लेंगे, हम इस एंगल को लेने इस टेंजेंट द्वारा PT और यह PA, PA कोण द्वारा इस टेंजेंट के साथ यदि यह एंगल आपका थीटा बन AP कोण द्वारा AP जीवा द्वारा PT के साथ थीटा बन रहा है, तो इस साइड ले तो अपोजिट साइड इधर चला जाएगा, इधर कहीं भी एंगल बनाएंगे या कहीं भी बनेगा कि एंगल भी क्या होगा, कैसे होगा इस बात को हम प्रूफ करते हैं। चलिए इस फिगर में हम प्रूफ करने आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पे करते हैं बड़ा फिगर है दिख रहा है, ठीक है ये इसका केंद्र हो गया, क्लियर है, यह केंद्र जब हो जाएगा इसको मिलाते हैं, ठीक है यह कितना होगा आपका इसको भी मिला देते हैं, अब यह थीटा आपका इधर का है, थीटा आपका इतना सा है
है ना, या पूरा 90, या पूरा कितना 90, 90 मिनट थीटा हो गया या बीच का भाग बचेगा ना, ये एंगल बता सकते हैं आप लोग, या पूरा आप लोग चुके आपको पढ़ चुके हैं, केंद्र से टेंजेंट को मिलाने वाले रेखा, केंद्र से टेंजेंट को मिलाने वाले रेखा उस टेंजेंट पर क्या होती है लंब होती है, पूरा 90 में इतना सा आपका थीटा हो चुका है तो यह भाग जो बीच का बचेगा ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। और एक बात बताइए, चूंकि यह रेडियस है और यह भी क्या है रेडियस, यह भी आर है और यह भी आर है, तो बता सकते हैं आप इस रेडियस के सामने का यह कोण और इस रेडियस का सामने का यह कोण दोनों क्या होगा बराबर, चूंकि समझिए ध्यान से यह हो रहा है क्या इस तरह से, यह भी आर यह भी आर, इसके सामने यह हो गया 90 माइनस थीटा, इसके सामने भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि यह दोनों क्या है बराबर है, वही अभी क्या कि जब यह दोनों बराबर है इसके सामने अभी यहाँ आ रहा है 90 माइनस थीटा यह कोण, तो इस साइड के बराबर यह एंगल हो जाएगा, चूंकि यह दोनों रेडियस बराबर है, इस रेडियस के सामने यह कोण यदि 90 माइनस थीटा है, इस रेडियस के सामने यह कोण भी हो गया 90 माइनस, तो यह कोण बता सकते हैं ओ, या कुछ नाम ले लेते हैं पी क्यू ओ पी, या ओ पर एंगल कितना बन जाएगा 2 थीटा, क्योंकि तीनों जोड़े 180 होना है, जब इसको जोड़ेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, तो यहां 2 थीटा लेंगे तो ना 180 आएगा, ये पता चलेगा यह हो गया 2 थीटा, यह कितना हो गया, जब यह 2 थीटा केंद्र पर का कोण हो गया, परिधि पर का कोण कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, उठोगे केंद्र पर का जब हम लोगों ने निकाल लिया 2 थीटा तो परिधि पर कितना थीटा, फिर समझिए, क्योंकि केंद्र से टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा उस पर लंब होती है, यह थीटा है, यह बीच का हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो यह दोनों रेडियस बराबर है, इस रेडियस के सामने जो कोण होगा इस रेडियस के सामने वही हो गया, तो आपको पता चल गया यह और यह बराबर, यह बीच में 2 थीटा होगा, यह 2 थीटा होगा, यह केंद्र पर का 2 थीटा होगा, परिधि पर थीटा हो गया, तो आपको पता चल गया यह एंगल और यह एंगल क्या हो गया, बात क्लियर है क्या, बात क्लियर हो रहा है। अरे मान लीजिए एक बात और समझाइए आप लोग, कि यदि हम इसमें ले लें, जैसे इसको ले लें, यदि हम इसको ले लें अल्फा, तो क्या हो गया इस जीवा द्वारा, इस जीवा द्वारा टेंजेंट के साथ अल्फा बन रहा है, तो इस जीवा द्वारा अपोजिट भाग में वृत्त पर बना कोण कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ये भी अल्फा, यदि यह अल्फा इस जीवा द्वारा इस टेंजेंट के साथ अल्फा बना, तो इस जीवा द्वारा वृत्त के अपोजिट भाग में परिधि पर बना कोण भी अल्फा, जैसे इधर इस जीवा द्वारा टेंजेंट के साथ थीटा बन रहा था, इस जीवा द्वारा इधर बन गया, इसके अपोजिट भाग में वृत्त पर परिधि बना कोण थीटा, आगे चलें अब इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पॉइंट नंबर कितना 4, क्या होगा इसमें जो भी नंबर हो आप लोग कर लीजिएगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यह टेंजेंट, ठीक है, और यह इसकी जीवा, यदि यह थीटा तो इस टेंजेंट द्वारा अपोजिट भाग, इधर तो बन गया अपोजिट भाग में वृत्त के परिधि पर बना कोण, वृत्त के परिधि पर बना कोण, यह अभी क्या होगा चिल्ला कर, उसके बाद इधर से लीजिए, यदि इसको हम कलर चेंज कर लेते हैं, यह एंगल कितना होगा 180 माइनस, ओके पूरा 180 होगा यार, ठीक है 180 माइनस थीटा, फिर देखिए इस टेंजेंट पर इस जीवा द्वारा 180 माइनस थीटा बन रहा है, इस साइड बनेगा तो अपोजिट भाग में इधर अपोजिट भाग बने बना कोण, यह कोण कितना हो जाएगा, यह कोण आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ध्यान समझिएगा कि जब इधर से इस टेंजेंट पर इस जीवा द्वारा इधर बना 180 माइनस थीटा, तो क्या होगा इस के इधर बन गया 180 माइनस थीटा, इस जीवा द्वारा इस टेंजेंट के साथ 180 माइनस थीटा बन गया, इस जीवा द्वारा अपोजिट भाग में या कोण में क्या होगा 180 माइनस थीटा, यहां से एक बात पता चल गई ए बी सी, आप देख रहे हैं ए प्लस सी, ए आपका है थीटा और सी आ गया 180 माइनस थीटा, ठीक है, तो आपको पता चल गया ए प्लस सी 180 डिग्री होगा,
तो आपको मालूम है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो ए सी जब 180 आ गया तो बी प्लस डी 180 में 360 में 180 घटेगा तो भी क्या हो जाएगा 180, क्योंकि आपको मालूम है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो यहाँ से ए और सी जब 180 हो गया तो बी और डी 180 हो गया, यह हो गया साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रेटिक। तो उसी थ्योरम से हम रिलेट कर दिया आपको कि साइक्लिक प्रभावित हो गया चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज कब बनेगा यदि उसके सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री हो। तो ए और सी सम्मुख है, एक दोनों का योग 180 हो गया और सम्मुख अपोजिट, और यहाँ बी और डी अपोजिट है, बी और डी सम्मुख कोणों का योग 180 और ए सी का भी 180 और बी डी का भी 180 हो गया, यह आपका चक्रीय हो गया। बात क्लियर है, बात मेरी समझ पा रहे हैं। चलिए इसी में पांचवा पॉइंट की बात करें, आप चक्रीय यदि आप समझ लिए साइक्लिक आप पढ़ लिए आपने तब बताइए। कुछ भी यह ठीक था, यह कितना हो गया 180 माइनस होगा ना, इसका मतलब यह अभी क्या हो गया, तब यहां से पता चल गया ए बी सी डी ई एंगल ए बी सी एंगल सी डी ए बी सी या थीटा, तो सी डी पी या भी क्या हो गया सी डी पी भी थीटा, क्यों या थीटा तो 180 माइनस थीटा और एक ही रेखा पे 180 सम होगा तो 180 माइनस थीटा या भी थीटा हो गया। इस प्रकार ए बी सी जो आएगा वही आपका सी डी पी होगा जो थीटा है। ठीक है, हम लोग जो सवाल यूज करेंगे तो अभी थीटा तो हम सीधे यहाँ थीटा ले सकते हैं, बात क्लियर है। चलिए एक बात और बताइए, क्या आप लोग यहाँ दिख पा रहा है, दिख जाएगा छठा पॉइंट छोटा सा कर लेते कहीं इसमें टेंजेंट हो, टेंजेंट ऑफ करके पी ए और पी बी क्या है टेंजेंट हो करके। ठीक है, यदि आपसे हम पूछें और या ओ इसका केंद्र, आपसे पूछा जाएगा पी ए ओ बी क्या हो, पी ए ओ बी कहां स्थित है, अब क्या बताएंगे देखिए यहां से हो गया 90। कैसे, आपको मालूम है केंद्र से टेंजेंट को मिलाने वाली रेखा उस टेंजेंट पर लंब होती है, इन दोनों जोड़ 190 हो गया, इन दोनों जोड़ का भी 190 सॉरी इन दोनों का योग 180 हो गया, इसका और इसका योग भी 180 होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि चारों कोणों का योग 360 होता है। जब चारों कोणों का योग 360 होता है तो इन दोनों का योग 180 हो गया, इसका 180 हो गया, इसका मतलब हो गया यह क्या बन जाएगा एक सर्कल के त्रिकोण। तो पी ए ओ बी, पी ओ बी कहां स्थित है, पी ए ओ बी कहां स्थित हो गया, तो एक वृत्त पर स्थित, क्यों हो गया, क्योंकि सम्मुख कोणों का जो 180 हो गया तो साइक्लिक क्वाड्रेंटल हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, इसका मतलब चक्रीय चतुर्भुज को बोला जाएगा जिसका चारों शीर्ष कहां स्थित हो, वृत्त पर स्थित। उल्टा भी इसका सही होगा, यदि आपसे पूछा जाएगा किसी वृत्त का चारों शीर्ष सॉरी किसी चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है, इसका मतलब चक्रीय हो जाएगा, किसी चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है इसका मतलब चक्रीय चतुर्भुज हो गया। अरे ऐसा रहेगा कि कोई चक्रीय चतुर्भुज है इसका क्या मतलब हो गया, उसका चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है। अरे आपको इतना सा बोल दिया कि किसी चतुर्भुज में कोई चतुर्भुज है कोई भी ए बी सी डी, यहां दिया है कि ए प्लस सी 180 है, सिर्फ इतना ही दे दिया और ए प्लस सी 180 है, बी प्लस डी ऑटोमेटिक 180 होगा, इसका मतलब हो गया कि चारों शीर्ष कहां होगा वृत्त। या यदि यह बोल दिया कि ए बी सी डी क्या है चक्रीय चतुर्भुज है, तो आप तुरंत माइंड में समझ लीजिए ए प्लस सी 180, जब ए प्लस 180 होगा तो रेस्ट 180 होना है, तो दोनों सही है। यदि बोला गया कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आप तो समझ लीजिए अपोजिट एंगल का योग 180 होगा,
ठीक है, इधर भी हो जाएगा। यदि आपको ऐसा दिया गया है कि a प्लस यूनिटी है, उल्टा दे दिया, a प्लस यूनिटी है, इसका मतलब हो गया कि यह चारों से किसका होगा, विपरीत परिस्थिति। आगे चले तो आपको चक्रीय चतुर्भुज में इतना सा समझना है कि कोई चक्रीय चतुर्भुज तभी हो सकता है जब सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, एक भी दे दिया दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। और उल्टा भी सही हो गया, यदि a प्लस यूनिटी आ रहा है इसका मतलब उसका चतुर्भुज कैसा होगा, साइक्लिक होगा, क्योंकि चारों शीर्ष विपरीत परिस्थिति है। आगे चले इसको नोट कर लो। चलो अगला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे, ये भी ये टच कर लो, ठीक है, हम लोग यहाँ ना ट्वाइस पी परिमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एल एम पी एल एम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पी से वृत्त पर दो ही बाहर बिंदु से आप दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, पी और पी भी, और पी और पी भी दोनों बराबर होगा, तो दोनों टेंजेंट का सम तो 2p हो गया, कि बराबर होता है दोनों टेंजेंट का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, परिमीटर ऑफ ट्रायंगल यह जो हो रहा है PLN, कैसे होगा देखो, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2p को लिख सकते हैं PA प्लस PA, PA प्लस PA, PA को लिख सकते हैं PLN दीजिए, और दूसरा PA को लिख सकते हैं कितना PB, क्योंकि दोनों बराबर है PA PB, फिर PA को आप क्या लिख सकते हैं PL प्लस AL, PL प्लस AL, और PB को लिख सकते हैं PM प्लस NB। एक बात यह बताइए AL और LT बराबर है, इधर PM और TM बराबर है, तो PL रहने दिए, AL को लिख दिए LT, और PM रहने दिए, और MB को लिख दिए MT, MB को MT। अब PL प्लस LT और MT, LT और MT मिलके हो गया LM प्लस T, जो PL यह साइड, LM यह साइड, PM यह साइड, यह हो गया परिमीटर ऑफ ट्रायंगल PL, इसमें इस तरह सवाल आपका बन जाएगा, दे देगा किसी वृत्त मैं PA और PB दो स्पर्श रेखा, और LM भी एक स्पर्श रेखा जो T पर स्पर्श कर रहा है, अदि दिया रहेगा परिमीटर ऑफ PLM, कहेगा PLM का परिमीटर यदि दिया है 50, तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, तो PA या PB, स्पर्श रेखा PA या PB की लंबाई पूछा जा रहा है, कितना बता देंगे, PA का लंबाई हो जाएगा 25, या 50 सेंटीमीटर है यह हो जाएगा, यही 25 दिया जाता तो परिमीटर हो जाता 25 दुनी क्लियर। आगे चले नोट करने की बात हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सर्कल एक क्वाड्रेंट, ठीक है, कोई भी ले लीजिए ए बी सी, पहला बात हम लोग को प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी इक्वल हो जाएगा बी सी प्लस ए, पहला बात यह प्रूव करना है कि ऑपोजिट साइड का सम इक्वल होगा, ए बी और सी डी, और इधर बी सी और ए डी इक्वल होगा, दूसरा बात यह प्रूव करना है, मान लें केंद्र इसको मिलाओ, यह कोई जरूरी नहीं कि ए सी आपका स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ना ही बी डी स्ट्रेट लाइन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ऐसे ए सी आपको दिख के भी लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा इसका और इसका सम 180 है, सी ओ डी प्लस ए ओ बी 180, सी ओ डी और ए ओ बी 180, इन दोनों जोड़ 180 वैसे कैसे होगा, पहले आए पहले पहले पॉइंट में बता, हम लोग को दिखाना है ए बी प्लस सी डी बी सी प्लस ए डी, पहला बात तो ये आपको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, यहाँ कुछ नॉन ले लीजिए
पी कंस्ट्रक्शन में नाम लेते हैं, पी क्यू आर एस। तो ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी को आप लिख सकते हैं यहां पर कितना, ए पी प्लस पी बी, ए बी को लिख रहे मतलब यहां एल एच एस लिख चल रहा है, ए बी प्लस सी डी को लिख चल रहा है। तो ए बी को लिख दिए कितना, ए पी प्लस पी बी, और सी डी, सी डी को लिख सकते हैं आप कितना, सी आर प्लस आर डी, सी डी कैसे लिखते हैं, सी आर प्लस आर डी। ठीक है, अब एक बात देखिए, ए पी, ए पी को आप एस लिख सकते हैं क्योंकि यह और यह बराबर होगा, बाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई बराबर होती है, तो ए पी को लिख सकते हैं एस। पी बी इधर से भी यह लेंथ और यह लेंथ बराबर होगा, पी बी बराबर हो जाएगा बी के। सी आर, सी आर को लिख सकते हैं सी क्यू क्योंकि यहाँ सी आर लेंथ और यह लेंथ बराबर होगा, सी आर को सी क्यू। और आर डी, यह लेंथ और यह लेंथ बराबर होगा, आर डी को डी एस। अब बताइए ए एस और एस डी, ए एस और एस डी मिलकर हो जाएगा ए डी। बी क्यू सी क्यू, बी क्यू और सी क्यू मिलकर हो गया बी सी, आ गया बी सी प्लस ए डी आर एच एस। दूसरा बात है हम लोग को लाना ये, देखिए इसको कैसे समझेगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपका है, इसको मिला लीजिए। अब बताइए इस ट्रायंगल, इसमें और इसमें बात करते हैं, यह लेंथ इसके बराबर, यह रेडियस है, यह और यह भी बराबर, और यह दोनों कम। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ओ ए पी ओ ए एस, ओ ए पी ओ ए एस। तो क्या हो रहा है कि यह रेडियस रेडियस के बराबर, यह बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, और यह दोनों कॉमन है, यह दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। कंग्रुएंट जब हो गया तो जो साइड इक्वल है उसके सामने का एंगल भी इक्वल होगा, इसके सामने यह एंगल और इसके सामने यह एंगल क्या हो गया, इसके सामने ए इसके सामने बी। उसी प्रकार इधर से भी आप बता सकते हैं, इसको बी लेंगे इसको भी बी लेना होगा, इसको दे सी लेंगे इसको भी सी लेना होगा, इसको दे डी लेंगे इसको भी हमको डी लेना होगा। तो सब दो दो बार आ गया, ए दो बार, बी दो बार, सी दो बार, डी दो बार, तो यहाँ हो गया ट्वाइस। दूसरा करते हैं ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा 180। तो यहां से हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, सॉरी 360 ना, 180 कहां से होगा, 360 होगा। अभी आप लोग बोलेंगे नहीं, बाद में कमेंट करेंगे, 180 हो जाएगा। अब बताइए ए बी, ए बी हम इसको लिख सकते हैं ए ओ बी, ए बी ए प्लस बी मतलब ए ओ बी, और C प्लस डी को क्या लिख सकते हैं, C प्लस डी को सी ओ डी, अब यार सी ओ डी और ए ओ डी। इधर से लिख सकते थे A, इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, अभी 180 होगा क्योंकि कि पूरे हम 360 होगा, 360 में हम जब इसको निकाल लिए ए ओ बी और सी ओ डी 180 निकाल लिए, इधर का भी यह एंगल और यह एंगल का भी हो, क्या होगा। उम्मीद करते हैं होंगे, करते हैं कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। यदि इसमें कोई एक एंगल दिया होता, यह कहता अभी 70 है, यह कितना हो जाता है 110 हो सकता है एग्जाम में। तो इस प्रकार आप लोग मेरे साथ बने रहें और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आएंगे। सिर्फ आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें, कमेंट किया करें, सजेस्ट किया करें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आज की क्लास में इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।